So first question of exercise 1.3. You can see on the screen, write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. So decimal expansion, decimal expansion, do hota hai, terminating and non-terminating. Okay. एंड टर्मिनेटिंग रिकरिंग लाइक दैट सो इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है उसकी लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी तो वो भी देख लीजिएगा एंड समझ लीजिए कि क्या होता है यहाँ पर मेनली हम एक्सरसाइज पर ज्यादा ध्यान देंगे क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान देंगे ठीक है so, सो डिटेल में मैंने एक वीडियो बनाया है डेसिमल एक्सपेंशन के लिए वो देखिये जरूर आपको अच्छे से समझ में आएगा सो देखिये क्वेश्चन नंबर वन फर्स्ट पार्ट ऑफ इट हमें बताना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन किस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग है किस तरीके का है सो देखिये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्टी सिक्स अपॉन हंड्रेड ओके सो हमें पता है कि डिनोमिनेटर में हंड्रेड है that means इसका जो आंसर आएगा जीरो पॉइंट थ्री सिक्स होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में टू जीरोज है सो बिफोर टू डिज इट वी विल पुट डेसिमल एंड दिस विल बिकम जीरो पॉइंट थ्री सिक्स सो यू कैन सी ओवर हियर वी गॉट द फाइनल आंसर हमें एक फाइनल आंसर मिल गया है कोई भी जीरो पॉइंट थ्री सिक्स इज अ पर्टिकुलर आंसर सो देट इज वाई ये जो डेसिमल एक्सपेंशन इसका है जो हमने इसे डेसिमल में कन्वर्ट किया सो दिस इज टर्मिनेटिंग सेकेंड नंबर सेकेंड नंबर देखेंगे वन अपॉन इलेवन ओके okay, सो so इसमें क्या करना है डायरेक्टली हमें ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे हमें पता है कि वन में हमें डिवाइड करना है इलेवन से तो डिवाइड करते जाइए देखिए वन इज वेरी स्मॉल सो हम क्या करेंगे जीरो एंड डेसिमल वी विल राइट देन वी कैन इंक्रीज वन जीरो अभी वन जीरो इंक्रीज करने के बाद भी ये जो टेन है इलेवन से स्मॉलर है सो व्हाट वी विल डू यहां पर भी हमें एक जीरो इंक्रीज करना होगा उस कंडीशन में हम यहां पर भी इंक्रीज कर सकते हैं सो इलेवन नाइनजा इज नाइंटी नाइन हंड्रेड माइनस नाइनटी नाइन इज वन वी नो दैट ठीक है अगेन uh, क्योंकि हम डेसिमल पुट कर चुके हैं वी कैन इंक्रीज वन जीरो बट अभी भी छोटा है तो अगेन यहां पर भी इंक्रीज करेंगे तो यहां पर भी करेंगे ठीक है लुक एट हियर नाउ दिस हैज बिकम अगेन हंड्रेड बन गया सो इलेवन नाइनजा अगेन नाइनटी नाइन एंड यू विल सी वन इज रिमाइंडर अगेन सो देखिए यही जो प्रोसेस है कंटिन्यू फिर से देखिए वन रिमाइंडर आ गया इसका मतलब है ये जो प्रोसेस है कंटिन्यू चलने वाली है सो so, बार देखिए यहाँ पर हम जीरो एंड नाइन के ऊपर बार लगाएंगे बार का क्या मीनिंग है मतलब कि जीरो नाइन बार बार रिपीट हो रहा है यहां पर देखिए बार फिर से जीरो नाइन जीरो नाइन जीरो नाइन आते जाएगा सो so ये बार का यही मीनिंग होता है जीरो और नाइन के ऊपर बार है दैट मींस जीरो नाइन जो सीक्वेंस है वो रिपीट होते जाएगा तो ये किस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन है ये है नॉन टर्मिनेटिंग इसे हम क्या कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग अब रिकरिंग भी कहेंगे रिकरिंग क्यों क्योंकि रिपीट हो रहा है एक प्रॉपर पैटर्न इसमें जीरो नाइन जीरो नाइन रिपीट हो रहा है सो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग ओके इसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग सो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है ठीक है सो देखें ये वो ये था हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट अब हम करते हैं थर्ड पार्ट ऑफ इट ओके या सो इट्स थर्ड पार्ट इज थर्ड नंबर फोर होल सभी में ऐसे ही करना है फोर होल वन अपॉन एट अभी ये मिक्सड फ्रैक्शन में है तो सबसे पहले ये तो हमें आता ही है कि कैसे कन्वर्ट करना है इसे इम्रॉपर फ्रैक्शन में सो सो अपॉन इसको जब हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया देन वी गोट थर्टी थ्री डिवाइडेड बाई एट तो यहाँ डिविजन कर लेते हैं थर्टी थ्री को डिवाइड कर देते हैं हम एट से ठीक है एट जा थर्टी टू हमें पता है ना वन इज वेरी स्मॉल इंक्रीज कर देते हैं Then 8 8, subtract करते टेन माइनस एट इज टू ओके हम डेसिमल ऑलरेडी पुट कर चुके हैं दैट मीन्स हम यहाँ वन जीरो इंक्रीज कर सकते हैं ओके okay, सो so अभी क्या आएगा एट टू जा सिक्सटीन So, 20 minus 16 is 4. Already decimal हम लगा चुके हैं हैं कर सकते है, देखिए इसका भी हमें एक perfect answer मिल गया After division, we got तो क्या होगा ये जल्दी से सोचे दिस विल बी टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग है क्यों क्योंकि एक प्रॉपर आंसर है इसका है ना डिवाइड करने के बाद हमें कोई भी रिमाइंडर यहां पर नहीं बच रहा है दैट मीन्स दिस इज टर्मिनेटिंग ओके सो इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं देखिए क्वेश्चन नंबर फोर के लिए क्या करना होगा क्वेश्चन नंबर फोर के लिए भी आपको डिवाइड ही करना होगा नंबर फोर थ्री अपॉन थर्टीन कैसे करोगे थ्री को डिवाइड करोगे आप थर्टीन से सो so जब आप इसे डिवाइड करोगे देन यू विल गेट इट्स आंसर डिवीजन सभी को आता है नाइन्थ क्लास में आ गए आई होप सो आप सभी को डिवीजन आता है अच्छे से ठीक है So, जब आप डिवाइड करेंगे ना तो ये जो नंबर्स है सबसे पहले आएगा टू थ्री जीरो सेवन सिक्स नाइन और फिर से दोबारा से टू आ जाएगा मतलब कि सेम यही नंबर्स फिर से रिपीट होने लग जाएंगे जीरो पॉइंट टू थ्री जीरो सेवन सिक्स नाइन फिर से टू आ जाएगा टू थ्री जीरो सेवन सिक्स नाइन सो so, इसीलिए इन नंबर्स के ऊपर हमने क्या लगाया है बार लगाया है सो दैट इज वाई अभी बार लगाया मतलब कि एक प्रॉपर आंसर नहीं है ये जो सीक्वेंस है कंटिन्यू चलेगा दैट मीन्स ये भी क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिकरिंग है ओके नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग रिकरिंग क्यों क्योंकि रिपीट हो रहा है बार लगा है एक प्रॉपर पैटर्न रिपीट हो रहा है ओके okay, सो so ये जो होगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग सो आपको ऐसे राइट कर देना है नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से ट्राई करने हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए यहां पर भी आपको डिवाइड करके ही बताना है फिफ्थ नंबर टू अपॉन इलेवन सो टू को डिवाइड कर दीजिए इलेवन से ओके देन यू विल गेट जीरो

बाकी के क्वेश्चन सिक्स नंबर भी कर लीजिएगा लुक एट हियर हीस नंबर इज 329 अपॉन 400 हंड्रेड सो डिवाइड करेंगे आप सो देन यू विल गेट 0.8225 इसका एक प्रॉपर आंसर आपको मिलेगा सो दैट इज वाई आफ्टर डिवीजन सो दैट इज वाई इट इज टर्मिनेटिंग जब आप कॉपी में सॉल्व करेंगे डिवीजन भी कर लीजिएगा सो दैट इज वाई इट इज टर्मिनेटिंग सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर वन ठीक है लेट सी क्वेश्चन नंबर सेकेंड ऑफ इट

टू को डिवाइड नहीं करना है आपको सेवन से ऐसे करके नहीं देखना है आपको प्रिडिक्ट करना है है ना क्या हम बता सकते हैं बिना की है इसका आंसर सो यस अब देखिए कैसे वो मैं आपको बताती हूँ टू अपॉन सेवन जो है इसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं टू अपॉन सेवन को हम बता रहे हैं बिना डिवीजन किए हाउ वी कैन प्रिडिक्ट आंसर आई राइट टू अपॉन सेवन लाइक वन अपॉन सेवन इंटू टू है ना इसका मतलब भी वही होगा ना वन अपॉइंट सेवन इंटू टू मैं टू अपॉइंट सेवन को इस तरीके से राइट कर सकती हूँ क्यों क्योंकि में है जब टू इंटू होगा दो जो दैट विल बी टू अपॉन सेवन सो आई की क्या वैल्यू है जीरो पॉइंट यहां से देखिए वन पॉइंट सेवन की वैल्यू हमें गिवन है सो जीरो पॉइंट वन फोर टू एट फाइव सेवन ये जो है वो वन पॉइंट सेवन की वैल्यू है इसमें आप टू से मल्टीप्लाई कर देंगे सो so डायरेक्टली आपको डिवाइड नहीं करना होगा और आपको आंसर मिल जाएगा तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं जीरो पॉइंट वन फोर टू एट फाइव सेवन में टू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं कितना आता है carry 1, 5 twos are 10, plus 1, 11, carry 1, okay, 8 twos are 16, plus 1, 17, carry 1, 2 twos are 4, plus 1, 5, 4 are 8, 2 ones are 2, and 2 zeros are 0, and after how many digits we will put decimal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, after 6 digits, 1, 2, 3, 4, 5, 6, so it is coming, 0 point, टू एट फाइव सेवन वन फोर ओके एंड इसके ऊपर भी बार आएगा क्योंकि ये नंबर इसके ऊपर बार है यहाँ पर बार है सो दैट दीन्स यहाँ पर भी बार होगा ओके सो लाइक दिस आपको करना है ये क्वेश्चन वैसे ही आप करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए क्या रिप्रेजेंट करना है हमें थ्री अपऑन सेवन सो थ्री अपॉन सेवन को आप क्या राइट करेंगे दिस विल बी वन अपॉन सेवन इन टू जस्ट वन मिनट

सो फोर अपॉन सेवन को आप क्या राइट कर सकते हैं तो यहां पर भी सेम आपको इसी तरीके से राइट करना है ओके मल्टीप्लाई कर दीजिएगा देन यू विल गेट दल्टीप्लीकेशन आपसे बनी जाएगा है ना फाइव अपॉन सेवन ऐसे भी आप इसी तरीके से राइट कर दीजिएगा वन अपॉन सेवन इंटू फाइव एंड डू द मल्टीप्लीकेशन यू विल गेट ओके सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर टू होप यू लाइक इट